तो गाइज आपका मेरे चैनल गोरखपुरिया स्टाइल में स्वागत है और मैं हूँ सोनी। तो बस रक्षाबंधन एक दिन रह गया है, तो बस मैंने इसके लिए बनाया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी मिठाई बनाए तो कैसा मिठाई बनाया है, लेकिन ये मिठाई जो है सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, मेरे परिवार में भी, मेरे भाइयों को भी काफ़ी ज़्यादा। तो सोचा चलो इसको बना लें। तो मैंने बुलाया था नारियल का लड्डू। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच घी डाला था और उसके बाद उसमें डाला था 2 कटोरी जो है नारियल का बुरादा। किसी भी कटोरी या कप से जो है नाप लें और नाप के बनाएंगे तो अच्छे से बनेंगे और साथ में कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो मेजरमेंट सही होना चाहिए। तो बस मैंने, चूँकि जो है नारियल जो है तेल खुद ही छोड़ता है, इसलिए इसमें घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने 2 चम्मच डाला था और गैस को लो से मीडियम रखते हुए इसको बराबर से चलाएं, थोड़ा भी छोड़े नहीं। अगर छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए बराबर से इसको जाते नहीं, 3 से 4 मिनट तक भूनने की ज़रूरत है। क्योंकि नारियल तो का बुरादा जो ऐसे भी है, थोड़ा सा जब कलर बदल जाए तब जो है इसमें जो है मैंने डाला था, जिस कटोरी से नारियल लिया था उस कटोरी से 1 कटोरी दूध। दूध डाल के फिर इसको अच्छे से चला लेते हैं, फिर जो है दूध तुरंत ही नारियल का बुरादा जो है उसको सोख लेता है। और जब थोड़ा सा दूध अच्छे से जब मिल जाए, और ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। बराबर से चलाते रहें, गैस को लो से मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई नहीं रखें, नहीं तो जल जाएगा और बनाने में दिक्कत होगी। तो किसी भी कपड़े हाथ से पकड़ के आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। फिर जब दूध अच्छे से मेल्ट हो गया था, मैंने डाल दिया था चीनी, और चूँकि दूध भर भरा हो गया था, और फिर ये देखिए चीनी डालने से कितना अच्छा मतलब हो गया था। लेकिन थोड़ी सी चीनी डालने के बाद मॉइस्चराइज होगा, यानी थोड़ा सा और पिघलेगा, तो फिर इसको 2 से 3 मिनट तक चलाते हैं तो फिर ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जब ये फिर इकट्ठे हो जाए तब मुश्किल से 5 से 7 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर इसमें डाल दिया था मैंने जो छोटा वाला पैकेट जो है मिल्क पाउडर। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है और अच्छी बनती है। लेकिन है मिल्क पाउडर तो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बड़े चम्मच डालें, इससे ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि नारियल का अपना फ्लेवर होता है। तो कुछ और डालने से मतलब फ्लेवर उसका चला जाएगा। तो मैंने इसमें इलायची पाउडर चाहे कोई भी अन्य ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला था, सिर्फ वही डाला था। तो 2 चीज़ें उससे बन के ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट मिठाई बनती है, और मुझे लगता है बड़े बच्चे सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो कोई भी, इसके बाद ये हो गई थी तो मैंने इसको ठंडा कर लिया था, यानी पूरा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए हाथ सहने भर का, 5 से 7 मिनट तक रख दें, तब इसका जो है कुछ किसी भी चीज़ से शेप ले लें, और या फिर हाथ से ही लड्डू बना लें, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो ये बन गई थी मेरी